9.4 की जो टाइमिंग है यहाँ पर, आप कह रहे हो कि ये एक ऐसा ये जगह भाई वाकई पुरानी है, सोचने वाली बात या जो भी इसका पॉसिबल होगा। सबसे बड़ा पॉइंट यार मेरे को ये लगता है कि आप एक तरफ से कहते हो कि एनर्जी तो कुत्ते भौंकना चालू कर दिए। देखो आप इस तरफ जब हाथ ले जाते हो तो आपका हाथ तो लोगों ने देखा, बहुत सारे कुत्ते हैं ये मानते हैं हम, क्योंकि कुत्तों की वजह से इस तरह से आप तो नमस्कार मित्रों, मैं नंदन वाजपेयी हाजिर हो गया हूँ आप सबके समक्ष। आपका बताया हुआ टॉपिक यानी कि आप लोगों ने जो कमेंट किए इतने सारे उसको ले करके थोड़ा सा लेट ज़रूर हो जाता हूँ, क्या करूँ टाइम लग जाता है, तो देर नहीं करते हैं इसको, शुरुआत करते हैं जल्दी से और पॉइंट पे आते हैं। भाई यहाँ पर मैं पहले ही बता दूँ और इसे जो है डिस्क्लेमर भी मानो या मेरा एक विनती मानो, निवेदन मानो, कुछ भी समझ लो इसको कि मैं, मेरा कोई मकसद नहीं होता है किसी को ब्लेम करने का। मेरे पास बहुत से जो है इस तरीके के भी कमेंट्स लोग करते हैं कि आप ब्लेम कर रहे हो फलाने को, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यार। मैं साथ साथ ये भी अपने वीडियोस में कई बार कहता हूँ कि कोई कैसा भी हो यार, मेहनत सभी करते हैं ठीक है, और कुछ भी हमें उनके द्वारा दिखाई हुई चीज़ों पे तर्क और वितर्क तो हम कर सकते हैं, कुछ सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत उन पे सवाल नहीं उठा सकते कि यार तुम गलत ही कर रहे हो या तुम, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हो, वो कुछ भी कर रहे हैं ठीक है, वो कहीं भी जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनके वीडियोज़ में दिखाई दे रहा है, तो उस वीडियो में दिखाई हुई चीज़ों पर आप सवाल उठाइए ठीक है। लेकिन जो घर से वो निकलते हैं जब ना और अपने स्पॉट तक जाते हैं, जो भी हैं जिनके बारे में भी मैं एनालिसिस करता हूँ, जो भी लोग हैं घर से जब निकल करके कहीं भी किसी स्पॉट पे जाते हैं और अपना वीडियो शूट करते हैं, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है शो करते हों या EMF वगैरह का यूज़ करते हों या घोस्ट, कुछ लोग घोस्ट दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं या नहीं दिखाते हैं, तो उन सब के यार पीछे उनकी एक मेहनत होती है ठीक है। उन्होंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, कैमरे वगैरह परचेज कर रखे हैं, ले करके जाते हैं, कैमरा मैन भी है उनके साथ, तो यार उनकी मेहनत पर कोई सवाल नहीं उठाना ठीक है, अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे हमेशा की तरीके, जो तर्क वितर्क का जो विषय रहता है वो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ और बात करता हूँ मिस्टर सागर तिवारी की, जो कि जिला एटा और कोई किला है वहाँ पर गए हुए, तो उस पर क्या गतिविधियाँ मेरे को पर्टिकुलर समझ में आती है, तो उन पर मैं प्रकाश डालता हूँ। शुरू करते भाई, सबसे पहला पॉइंट तो मैंने करीब बहुत सारे उठा रखे हैं यहाँ पर, और कोई पॉइंट नहीं है, कोई सवाल भी नहीं है, बस एक अपना तर्क वितर्क है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, जब आप किले पर वहाँ पर, मेरा जो है एक सवाल है आपसे कि आप वहाँ पर जाते हो जब, और आप लोगों से वहाँ सबसे पहले गांव वालों से जो है बात कराते हो, इत्तेफाक से सभी वहाँ पर दीक्षितों का जो है वहाँ पर एक समूह है, बड़ा समूह है, तो ये एक अच्छी बात है। तो वहाँ पर आपने जब बात कराई तो मेरा सिर्फ सवाल ये, आपने सब कुछ बात करी, उन लोगों ने ये भी बताया कि भाई डर लगता है वहाँ पर जाने में और ऐसा ऐसा है। डर लगता है, क्यों डर लगता है आपको? डर लगता है भूत हवा की वजह से। कैसे भूत हवा की वजह से? मतलब निकालो उसमें भूत, हकीकत में भूतिया है या ऐसी अफवाह फैला रखी लोगों ने? हकीकत में भूतिया है, बहुत डर लगता है वहाँ पे। साथ में आपको वहाँ पर उस किले से जुड़ा हुआ कुछ इतिहास भी पूछना चाहिए लोगों को। आपने ये बताया कि यार यहाँ पर कोई आता नहीं, सदियों से इसका कोई नाम नहीं है, कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं है, तो दो पॉइंट यहाँ पर निकल। तो अगर आपको कोई गांव का बुजुर्ग आदमी होता, उनसे आप बात करते, शायद उनको कुछ मालूम होता क्या है इस किले का, क्या हकीकत है ठीक है,
जिनसे आपने बात कराई वो देखने में ही यार लग रहे थोड़ा सहमे हुए, तो वो ठीक है, आदमी डरता है कोई, मैं खुद भी डरता हूँ यार, तो थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी से अगर आप बात कराते तो वो जो है शायद थोड़ा सा उस किले के बारे में बता सकते थे कुछ, क्या था, कब का है, कब का नहीं। और दूसरा पॉइंट ये निकल करके आता है भाई कि अगर वहाँ पर कोई इतिहास ही नहीं उस किले का, तो फिर आप करने क्या गए उधर? गूगल देख करके आप गए नहीं हो, आपका फिलहाल तो उस पॉइंट पे जाते हो जो गूगल जिन्हें बताता है कि ये हॉन्टेड प्लेस है या ये जो भी है। और ये खैर कोई ज़रूरी नहीं कि गूगल जहाँ बोले वही हॉन्टेड होगा या कहीं भी जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, जा सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पता चलता कि वो किला किस चीज़ से संबंधित है, क्या उसका नाम रहा, क्या इतिहास रहा, तो वो एक अलग बात होती। अब कुछ लोगों ने यहाँ, सबसे पहला जो है पॉइंट मैं उठाता हूँ कि ऐसा मुझे शायद प्रतीत हुआ और भी लोगों ने देखा हुआ है कि 9.4 की जो टाइमिंग है, यहाँ पर आप कह रहे हो कि ये एक ऐसा प्लेस है, यहाँ ऐसी लोकेशन है जहाँ कोई आसपास दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, और मतलब किला है ये हॉन्टेड किला, यहाँ कोई आता नहीं है डर की वजह से, यहाँ पर प्रेत आत्मा या जो भी हो या एनर्जीज अकॉर्डिंग टू यू वहाँ पर मौजूद हैं ऐसा कुछ, तो भाई वो पीछे इस जगह पर क्या लाइट वगैरह दिख रही, कोई होटल वगैरह है, कोई जो है क्या है वो समन में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ समन में आ रहा है स्क्रीनशॉट पे आप देख लो। इन चीज़ों के जवाब दे दिया करो भाई, ये अच्छा लगता है, एक अच्छे क्रिएटर की ये पहचान होती है। दूसरी बात करते हैं, थोड़ा सा मजाक के मूड में भी रहता हूँ तो इन चीज़ों को कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो थोड़े जो है हास्यप्रद भी हैं, जैसे कि एक ऐसा ये लोकेशन है जहाँ पर रायता फैला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप हल्दीराम का नमकीन भी फैला हुआ है। अभी यहाँ पर ये हल्दीराम का नमकीन कौन, और जब कोई आता नहीं है जाता नहीं तो कौन खाएगा, तो जाहिर होता है इससे कि आपने जो बात बोली कुछ आपने अपने कमेंट में पिन भी किया है कि कुछ नशेबाज यहाँ पर आते हैं ऐसा वैसा, तो ठीक है ऐसी जगह हॉन्टेड हमारी समझ में नहीं होनी चाहिए। क्या उन लोगों को डर नहीं लगता है जो यहाँ पर ऐसे लगा लेने के बाद चले आते हैं और फिर वो कुछ भी अपना टहलते घूमते होंगे, हल्दीराम भी चबाते हैं और दालमोट भी खाते हैं, रायता भी फैला हुआ है, वो रायता कुछ और है, वो रायता नाम दे रहा हूँ मैं। उसके बाद 1730 राइट साइड में जो कि बहुत सी कमेंटें आपके पास आई हैं और मुझसे भी मेरे जो है सब्सक्राइबर बोल रहे हैं इस तरीके की शेडो कुछ दिखे, और जब वो कोई बोलने वाला मुद्दा नहीं, वो साफ साफ नज़र आ रहा है। अब इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं भाई कि वो बंदा कौन हो सकता है जो 17-30 पॉइंट पे जो है राइट साइड में आपके जो है जो सामने दिखाई दे रहा है और एक तरफ से दूसरी तरफ को जा रहा है, तो आपने कमेंट में पिन किया है कि वो कोई नशेबाज या गंजेड़ी फलाना इस तरीके का कोई आदमी है वहाँ पर जो जा रहा है। तो मेरा यहाँ सवाल बनता है कि आपको कैसे पता कि यार वो नशेबाज ही है, ये कैसे आप कह सकते हो कि वो कोई गंजेड़ी या नशेबाज ही है, ये इतनी शिद्दत से कैसे कह सकते हो? कोई आम आदमी भी तो हो सकता है आपकी तरह, या फिर गांव का कोई निवासी हो सकता है, कोई घोष्ट नहीं हो सकता है, मे बी के वो मानने वालों के लिए, लेकिन मैं नहीं कहता कि घोष्ट है, लेकिन नशेड़ी किस तरीके से घोषित कर सकते हो किसी को? जरूरी है क्या कि आपके अलावा कोई भी अगर वहाँ पर आ रहा है तो वो नशेबाजी होगा? ऐसा नहीं कहना चाहिए ना, और कोई मतलब भी नहीं बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर कोई ना कोई बंदे आते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और जाहिर सी बात है कि गांव वाले हैं, कुछ लोग डरते हैं, डरपोक किस्म के होते हैं, कुछ लोग निडर होते हैं, तो हो सकता है रात में कोई खाना ना खाने के बाद टहलने निकल जाते हैं, कुछ ग्रामीण ऐसे होते हैं वहाँ पर चले गए होंगे, क्या है क्या फ़र्क पड़ता है भाई? तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि यार वो नशेबाज ही हो, है ना, कोई और भी हो सकता है। और एक चीज़ और बता दूं आपको यार, बदमाश भी हो सकता है कोई वो, ठीक है ना, और इस तरीके के जो है वाक्य होते हैं जब कहीं अकेले हम जाते हैं, या मतलब दो चार लोगों के साथ हम जाते हैं और कहीं प्रदेश एरिया में जाते हैं या
कहीं मतलब दूसरी जगह ऐसे स्थान पर जहाँ से हम अनभिज्ञ होते हैं लोगों से वहाँ के, तो कुछ लोग फ़ायदा उठाने हैं तो या अलग गतिविधियाँ करने के लिए जो जमा होते हैं दूर दूर से, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों के फिराक में है वो कोई बदमाश टाइप का इंसान हो, पीछे चला आया और गश्त कर रहा हो, आप लोगों का जो है जायज़ा ले रहा हो कि यार ये तीन बंदे कैमरा ले करके क्या कर रहे हैं, इनको लाओ लूटा जाए फलाना, ये मेरा अपना सोचना। हो सकता है ऐसा कि वो यार कोई शातिर चोर बदमाश भी तो हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन किसी को डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना कि यार वो गंजेड़ी और भंगेड़ी और जो है फलाना नशेड़ी ही होगा। आपने पिन किया है कमेंट में अपने। और एक चीज़ बता दूं आपको कि वीडियो देख लेने के बाद पिन किया, ऐसी चीज़ें ही अक्सर वीडियो में एडिट करके हटा दी जाती हैं, लेकिन इस सिचुएशन पे वो चीज़ है कि उससे कहीं ना कहीं वीडियो को लाभ ही मिलता है। वो कहते हैं ना, अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। तो यहाँ पे आप उस सीन को हटा नहीं सकते थे चाह करके भी, क्योंकि सीन ज़रूरी है, वो सीन की डिमांड भी है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये जगह भाई वाकई पुरानी है, सोचने वाली बात, या जो भी इसका इतिहास रहा हो, मतलब किसी को, जैसा कि आपने बताया कि गांव वालों तक को नहीं मालूम क्या है बवाल, कोई जाता नहीं है यहाँ पर ये वो, तो भाई वो जो गुम्मत पे जो बड़ा सा तिरंगा या झंडा जो भी है वो लहरा रहा है, हमारी समझ में, मेरे जो हमको समझ में आया है थोड़ा सा क्लिप में कि वो तिरंगा ही लहरा रहा है, तो वो किसने लगाया वहाँ पर? और आई थिंक कि जो है लगाया होगा तो गांव वाले ने ही लगाया होगा, कुछ ना कुछ तो वहाँ पर होता रहता है ना। ऐसी स्थान पर तिरंगा लगाएगा जाकर के कोई झंडा, और किस तरह से कोई जो है क्यों लगाएगा, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पर होता रहता है, कोई पर्व होता है, कुछ ना कुछ तो कोई आता होगा ना उस तिरंगे की देखभाल करने, या लगा रखा है तो उसको कभी ना कभी चेंज किया जाता होगा। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी जो भी इसमें हो कमेंट करके आप लोग बताइए भाई क्या है। तो ओवरऑल की मतलब वो हॉन्टेड नहीं हो सकती ये जगह। अब आते कुत्ते के भौंकने पे, अभी एक पॉइंट और है। सबसे बड़ा पॉइंट यार मेरे को ये लगता है कि आप एक तरफ से कहते हो कि एनर्जीज़ होती हैं और एनर्जीज़ वगैरह जो है प्रेजेंस उनकी पाई जाती है, ईवीएफ ईएमएफ मीटर वगैरह लेकर के जाते हो, फिर अपने थंबनेल में क्यों खेल खेल देते हो? आपको नहीं करना चाहिए थंबनेल में घोष्ट लिख रहे हो, अंदर जाके एनर्जी ढूंढ रहे हो, तो ये गलत बात है, दैट्स नॉट फेयर। आगे बढ़ते हैं। तीन 23 यानी कि 3.23 पे आप समीर बाबू को, यानी समीर भाई साहब को बहुत ही गौर से देख रहे हो, इस पे देखिए क्यों देख रहे हो। ऐसा जो मुझे प्रतीत हो रहा है कि आप समीर भैया आपसे कुछ कह रहे हैं, मनी मनी या इशारा कर रहे हैं कि यार अब बंद करना चाहिए बवाल, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है वहाँ पर आपकी कई सारी पब्लिक या बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं, हम लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने ये कहीं ना कहीं शायद समझा कि यार वाकई जो है यहाँ पर भूत या प्रेत दिख गया या आ गए आप लोगों के पास कहीं, तो कुत्ते भौंकना चालू कर दिए। भूत प्रेत नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा, और ना कोई चुड़ैल दिखी, ना कोई जो है कुछ भी ऐसा नहीं था यार। वो कुत्ते भौंक रहे थे ये स्वाभाविक है। अब कुत्ते के भौंकने का कुछ लोग ये तर्क बता रहे हैं कि भाई जब भूत प्रेत उनको दिखता है तो वो भौंकते हैं। जी हाँ, ये एक सत्य बात है, इसको मैं भी मानता हूँ कि थर्ड आई होती है वो और उनको दिखाई देता है ये सब चीज़ें। लेकिन वहाँ पर जहाँ आप लोगों के साथ ये जो कुछ हो रहा है कुत्ते का भौंकना, वो प्रेत और भूत दिखने की वजह से नहीं भौंक रहे हैं मेरे भाई। अब वो भौंक किस लिए रहे हैं, उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहली चीज़, आप अक्सर देखते होंगे कि हम लोग किसी शांत एरिया में रात में अगर कहीं भी जाते हैं
तो हल्की आहट से भी कुत्ते जो है भौंकने लगते हैं, या हम लोग अगर दो या तीन लोग हैं और कुछ गतिविधियां इस तरीके की करते हैं कि लाइट जलाते हैं, कुछ बोलते वालते हैं, तो उससे भी कुत्ते जो है भौंकने लगते हैं। और फिर एक कुत्ते को देख के दूसरा कुत्ता भौंकता है, और फिर दो कुत्ते को देख कर चार, चार से आठ, फिर 15-20, इस तरह से कुत्ते जो है भौंकते, उनका स्वाभाविक है। तो इस चीज़ को ज़बरदस्ती, मेरा कहना कोई भी इंसान ये मत समझे कि वहाँ पर भूत और चुड़ैल की वजह से कुत्ता भौंकने लगे। भौंक सकते थे कुत्ते भूत और चुड़ैल की वजह से, वो आपको तभी दिखाई देगा भाई जब आप स्वयं अकेले जाओगे, सिर्फ अलोन, ऐसा तब चांसेस हैं इस तरीके के कि आपको ऐसा प्रतीत हो कि आप और वो जो कुत्ते मतलब होंगे वहाँ पर। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो ज़रूर कुत्ते भौंकेंगे, लेकिन भूत चुड़ैल की वजह से नहीं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपके अलावा वहाँ पर और भी कुछ लोग गए वहाँ पहुँचे हों जिधर आपकी निगाहें हैं। मैं क्लिप में आपको दिखाता हूँ, आपकी नज़रें भी जो है नीचे की तरफ साफ साफ देख रही हैं, अब वो कुत्ते भौंक रहे हैं वहाँ पर, आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं। ठीक है, आगे बताते हैं क्या है। उसके बाद एक पॉइंट मैं उठाता हूँ, 30-25 पे आपने मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने इतना जो है थोड़ा सा इस चीज़ को भांपा या महसूस किया वीडियो देख करके, कि आपके नज़रें पहली बार ऐसा लगा देख करके कैमरा मैन को देख करके कुछ इशारा कर रही हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। और ये क्लिप है इसकी। इसमें कैमरामैन की तरफ कुछ आपकी नज़रें जो है इशारा करते हुए नज़र आई, क्या इशारा हुआ क्या नहीं ये तो आप ही समझ सकते हो। उसके बाद एक पॉइंट मैं उठाता हूँ, 30.53, ओ माय गॉड, कैमरामैन ने इस तरह से जो है मतलब ओ माय गॉड किया। और आपको बता दें, देखो आप इस तरफ जब हाथ ले जाते हो तो आपका हाथ तो लोगों ने देखा कि आप बोल रहे हो यार कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, लेकिन ये किसी ने उस वक्त गौर नहीं किया कि आपका एक हाथ तो इधर जा रहा है, ठीक है, और दूसरे हाथ से आप इशारा दे रहे हो, दो तीन इस तरीके से, कि मतलब EMF मीटर पे जो है इतनी लाइट देनी, इस तरह से आपका हाथ होता है, ठीक है, और एक तरफ से आप इस तरह से इशारा कर रहे हो। तो हाथों पर गौर करो भाई कि ये क्या है। अब ये मुझे ऐसा, मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आपने इशारा ही किया कैमरामैन को कि भाई इतनी लाइट जलाओ, फलानी लाइट जलाओ, और उसने कुछ किया उधर से तो लाइट जल गई, और कुछ में तो बहुत सारी चीज़ें होती जिससे लाइट जलती है, तो ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे को प्रतीत हो रहा है, ऐसा ऑब्जर्वेशन की है इस तरीके की, ऐसा लग रहा है कि आपका एक हाथ कुछ कैमरामैन से बोल रहा है कि भाई इतनी लाइट जलाओ, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो ऐसा मतलब अगर ऐसा कुछ है तो उसको आप जवाब दे सकते हो। यार कुत्तों के रोने की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, और सडनली अभी बहुत ज्यादा आई आवाज। ओह माय गॉड। उसके बाद 26.13 पे जो ये नहीं समझ में आता है कि अगर एक तरह से ये इस लोकेशन को बहुत सारा हॉन्टेड क्यों माना जा रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ यार, एक किला ही है वो, ठीक है, और सच मानो तो वहाँ पर सिवाय बदमाशों के और कुछ नहीं मिला आपको, कुत्ते की वजह से नहीं भागे हो आप। अब बहुत सारे कुत्ते हैं ये मानते हैं हम, क्योंकि कुत्तों की वजह से जिस तरह से आप, समीर भाई ने आपसे बोला कि जो है निकलते हैं यहाँ से, और एकदम से आपने कैम वो उठाया है और निकल लिए, तो मालूम है अब वो चीज़, मतलब मेरे हिसाब से आप लोग वहाँ से जब निकले हो तो बहुत तेज, मतलब भागे होगे बहुत तेज, ये ऐसा समझ में आता है, बहुत तेज दौड़ के भागे होगे,
तो वो कोई और वजह है, वहाँ भूत प्रेत की वजह से नहीं भागे हो। और ये जो 26.13 पे अग ये जो बकरी अकरी बोल रही है, ये कौन बकरी रात में लेकर के आ रहा है भाई? मैंने लाइक आपके अलावा बकरियां रात में लेकर के उसके लिए कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो दैट मीन कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गांव वाले वहां पर आते हैं भाई, और कुछ गांव वाले जिन दो व्यक्तियों को आपने दिखाया हो सकता है वो डरपोक हो नहीं आते हैं, ऐसा बहुत से गांव वाले होते हैं यार जिन्हें डर लगता है वो नहीं जाते हैं। अपने गांव के किनारे नुक्कड़ वाले चौराहे पे लोग नहीं जाते हैं, कुछ लोग कुछ पुल होते हैं इस तरीके के, कुछ खेत खलियान होते हैं, रात में जहाँ जाना नहीं पसंद करते लोग, और उनका मानना होता है कि यार यहाँ भूत लगते हैं, स्वाभाविक है, वो नहीं गए दोनों लोग। लेकिन उन दो के ना जाने से पूरा गांव नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है ना, जा सकते हैं लोग, क्योंकि बकरी बोल रही है, रात में बकरी लेकर के कोई आ रहा है। अब इसका देखो दो ही पहलू हो सकता है, या जो बकरी की आवाज़ आई वो तो क्लियर सुनाई दे रही है, ठीक है ना, और ये भी बात मान लो आपकी, या तो वो बकरी आप लोगों के आसपास है कहीं उस किले के पास, और या तो अगर किले के पास नहीं है तो किले से कहीं ना कहीं आसपास है, वो मतलब कोई ना कोई मकान है किले के पास, तो मकान बहुत सारे होंगे तो बकरियां होना स्वाभाविक है, तो फिर ये कोई हॉन्टेड वाला मामला नहीं हो गया ना। तो बकरी बोल रही है कुल मिला के, और हो सकता है कोई उसे ले जा रहा हो, या काटने पीटने भी लोग ले जाते हैं, कुछ किसी के हाथ में पड़ गई होगी, लेकिन ईश्वर ना करे कि भाई ऐसा कुछ हो। उसके बाद 30.42 पे जो मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि ये हाथ का इशारा मतलब कुछ इशारा तो है हाथों से जो मेरे को समझ में आ रहा है 30.42 पे, ये इशारा बार बार यार मेरे को इशारा ही समझ में आ रहा है और कुछ नहीं मैं कह सकता हूँ। एक हाथ आपका इधर जा रहा है और दूसरे हाथ से इशारा आ रहा है, तो वो कैमरामैन के लिए था, और उसके कहते ही ईएमएफ पर जो है लाइट आ जाती है, ये इशारा आपने किया इस तरह से, ऐसे आप किए हो, ऐसे ऐसे किए हो, ठीक है, और उधर से उसने जो है इशारा समझा और ये ईएमएफ जो है आपका ब्लिंक किया, और उसके बाद बोल रहा है ओ माय गॉड ये क्या बवाल है। और सडनली अभी बहुत ज़्यादा आ रही है, अब मैं ओ माय गॉड, ठीक है। तो ओवरऑल उसके बाद 7:17 पे जो है ये क्या बवाल है, ये 7:17 पे जो है ट्रांसफार्मर बोल रहा है, खैर वो तो लाजमी बात है, कोई मुद्दा नहीं है उसका, और मुद्दे सिर्फ इतने थे जो यहाँ पर जो क्लियर पॉइंट थे। यार ये कोई ऐसा मेरा मन नहीं था इस वीडियो को जो है बनाने का, लेकिन बहुत सारे कमेंट लोग कर रहे हैं इस पर भी बनाओ उस पर भी बनाओ, तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो भाई ब्लेम नहीं करते इस बार, अपने मन से जो जो पॉइंट हमको दिखते हैं इस तरीके के वो पॉइंट यहाँ पर बयान करते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, और कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पॉइंट सही हों भाई, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं काम ही करता हूँ अपना, और क्रिएट मैं एज अ क्रिएटर जो है वीडियो बना रहा हूँ, कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी पर, और ना करता हूँ ना करूँगा अभी तक, आगे तक भी नहीं करा है मैंने अभी तक कोई। तो 7:17 पे ट्रांसफार्मर बोला क्या, वो कुछ लोग मतलब मेरे को ऐसा लगा यार क्या विनोद बम था क्या वो, तो वो जो दाल मोड का जो हल्दीराम का पैकेट था और वो भी विनोद ने खा करके फेंका क्या उधर, ठीक है ना। तो कुत्तों की आवाज़ें आई हैं भाई, आई हैं, ये स्वाभाविक है। तो आखिरी का जो मेन इसका ओवरऑल वो निकलता है क्या हुआ होगा, तो वही सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आप लोग भागे हो वहाँ से तो क्या हुआ होगा। मैं आपको बता दूं मेरे हिसाब से जो मैंने परखा है जांचा है इस वीडियो को देख करके, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉइंट मेरे को नज़र आ रहे हैं 2 या 3, हो सकता है उन्हीं में से कोई एक वजह होगी, लेकिन ये खुला बता दूं कोई भूत चुड़ैल नहीं दिखी इसलिए नहीं भागे हो। कुत्ते भौंक रहे हैं स्वाभाविक है, और बहुत सारे कुत्ते जब हो गए आपकी तरफ वो बढ़ने लगे हैं तब आप भागे हो। दूसरा पॉइंट जो मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है इसमें वो ये लगता है यार कि आप लोगों को कुछ ऐसे अराजक तत्व वहाँ पर नज़र आने लगे जिससे आप लोग डर रहे हो कि मतलब अब कोई बात हो जाएगी यहाँ पर, कुछ मतलब आप लोगों के ऊपर कुछ एक्शन वो लोग ले लेंगे या हमला कर देंगे इस तरीके का जो है, मतलब कुछ भी अच्छी गतिविधियाँ आपको नज़र नहीं आई, वहाँ के कुछ लोग वहाँ पहुँच गए जो अराजक लोग हैं वो जमा हो गए और आप लोगों तक वो लोग आने लगे या बढ़ने लगे छुप छुप के, और
आपको ये चीज़ें दिखाई दी तो आपने भांप लिया इस चीज़ को। ये एक अच्छी बात है कि इस तरीके का कहीं भी कोई बदमाश चोर अगर आने लगे तो उनसे दूर ही हट जाना बेहतर है, और यही आपने किया तो ये अच्छी बात है। भागना भी चाहिए भाई उस जगह पर। और बाकी जो लोग, मैं उनको बता दूं कि जो लोग समझ रहे हैं यार कि सागर को भूत दिख गया, फलाना दिख गया, चुड़ैल दिख गई, उसकी वजह से भागे, नहीं भागे उसकी वजह से, कोई भूत नहीं दिखा भाई। और मैं बता दूं आपको कि उधर भूत भात कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये पता नहीं क्यों, मैं नहीं समझ यार, EMF वगैरह से ये भूतों का जो डिसीजन करना हमको थोड़ा सा हजम नहीं होता भाई, ये मैं खुला बोलता हूँ। इसमें देखो कोई बुरा माने भला माने, आई डोंट केयर। ये अपना एक तर्क है कि मैं EMF को नहीं मानता हूँ। मर्दानगी उसमें होती है, आप अकेले आप जाओ, जहाँ भी जाते हो आप जा करके आप सीधा बोलो कि मैं यहाँ पर, लोगों का मानना है कि यहाँ पर भूत चुड़ैल लगती है और मैं देखो यहाँ पर आया हूँ, मुझे नहीं लगती, बस क्लियर हो गया। आप अपनी जगह आपने अपने आप को जो है बता दिया, शो कर दिया, और वही तो ओरिजिनलिटी उसी में होता है ना, बी ओरिजिनल। ये क्या मतलब है कि EMF ले लिया और उसके बाद उससे घंटों जो है उसका खून पी रहे हो, वो भी जो है सोच समझ के जो है कभी जवाब दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है, कभी कीड़ा निकल रहा है, हवा से भी बज रहा है, मोबाइल के रिंग से भी जो है वो सॉरी ब्लिंक हो रहा है। तो मैं नहीं समझता भाई, एक इस तरीके के इंडिकेटर से जो है भूत दिखाई देता है या उसी से केवल तय हो जाता है कि EMF जल गया तो भूत है, नहीं तो नहीं है। वाह भाई वाह। उन लोगों के बारे में सोचो जिन पर जो है इस तरीके के हमले होते हैं या इस तरीके की गतिविधियां होती हैं कि जिनको धक्का दे दिया जाता है, या ऐसा वो लोग बताते भी हैं, और ऐसे किस्से सही में सच हुए हैं। क्या वो EMF ले करके गए थे क्या? नहीं लेके गए, और तब भी वो कहते हैं यार कि भूत है इधर, या मतलब एनर्जीज हैं, वो नहीं मतलब उनकी नज़र, वो लोग भूत बोलते हैं एनर्जी को यार। अब वो कोई एनर्जी बोलता है, कोई भूत बोलता है, वो ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं EMF को लेकर के भाई। अभी क्या यहाँ पर इसका एक अलग ही जो है मुद्दा, वो अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ तरीके, कुछ इतने छोटे छोटे जो है ये पॉइंट थे जिनको मैंने अपने वीडियो में रखा। अगर आपको कुछ कमेंट करनी हो आप लोगों को, तो अच्छी बुरी जो भी पॉजिटिव निगेटिव वो कर सकते हो। और बस, और आपको बता दूं यार, इस वीडियो में जो वो आदमी दिखा है 17:30 पे, मे बी के मैं मानता हूँ, मे बी के वो यार बकरी वाला हो जो बकरी बोल रही, हो सकता है वो उधर से थला बकरी लेकर के जा रहा हो टहलने घूमने, रात में बकरी चराने का बड़ी बात हो गई, इसमें कौन सा भूत दिख गया। और ये भी हो सकता है कि वो एक बदमाश हो यार, और उसने पहले आप लोगों को देख लिया, उसके बाद उसने कुछ लोगों को बुला लिया, और जब वो लोग जमा होने लगे तब आप लोग वहाँ से भागे हो। वो सही है, भागना भी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो वजह मैं बता रहा हूँ कि वजह ये हो सकती है, वजह भूत नहीं है, भूत की वजह से नहीं भागे आप, ठीक है ना। तो इतना ही था, थोड़ा मज़ा नहीं आया वीडियो बनाने में, उतना पता नहीं क्यों नहीं है, खुल करके नहीं वीडियो बना पा रहा हूँ। लेकिन जो भी पॉइंट जल्दबाजी में नोट किए बस यही है, इतने ही थे। और क्या बताएं बाकी। तो भाई कुल मिला के काम ऐसा करो कि मतलब समझ देखने में भी लगे कि हाँ यार कि वाकई में हॉन्टेड जगह गए हो, और मतलब कुछ दहशत दिखाई दे, दहशत नहीं थी ये जो हुआ है, ये दहशत नहीं थी, ये एक सही काम किया था आपने कि वहाँ पर जो है आपको कुछ ऐसा दिखाई दिया और जिसकी वजह से आपको जाना पड़ गया वहाँ पर, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोग हैं तो बत्ती जला के दिखाइए, सागर निकलते हैं, उठो, सेफ नहीं लग रहा। और कुछ सीन, कुछ दृश्य देखा आपने, कुत्ते की वजह से आप भागे नहीं हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुत्तों की वजह से नहीं भागे हो। उसका रीजन बताएं, रेस्टोरेंट दिल्ली में भी कुत्ते बहुत सारे भोग रहे थे, वहां नहीं डरे आप कुत्तों से? जो मेरी आवाज सुन रहा हो, क्या कोई है यहाँ पे जिसे मेरे आने की प्रेजेंस फील हो चुकी हो? क्या कोई है यहाँ पे जो इधर क्यों डरोगे? तो कुत्तों की वजह से नहीं भागे, सच बताना, आपको वहां पे कुछ दिखा था, कुछ लोगों की गतिविधियां दिख रही थी गलत, कुछ लोग जमा हो गए थे आपके ऊपर हमला करने के लिए, ये सत्य है, ये मुझे लगता है, मैं ये दावे से नहीं बोल रहा भाई, ऐसा मेरा जो है वो है, ठीक है।
तर्क वितर्क जो कर रहा हूँ वो अपनी जगह है, तो ये ब्लेम नहीं है कोई, ये मेरा अपना तर्क था वितर्क था। और कुतर्क आपको करना हो तो आप करो बाद में जवाब दे करके। सो आशा करता हूँ आप लोगों को भाई वीडियो ये समझ में आए, कुछ अच्छा लगे तो ठीक ठाक कमेंटें दे देना, अदरवाइज गाली गलौज भी कर सकते हो। सो होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग विद अनदर कंटेंट नंदन वाजपेयी।